क्योंकि आपने तो अपना सर्वस्व राम लल्ला को दिया है। राम लल्ला को आप कैसे देखते हैं, आज इस अयोध्या को आप कैसे देखते हैं महाराज जी? राम लल्ला केवल भगवान ही नहीं है, भारत का संविधान उन्होंने ही बनवाया, राम ही बनवाया भारत का संविधान। भारत का जो संविधान बना है ना, पत्नी पत्नी पिता पुत्र कैसा रहना चाहिए, मित्र कैसा रहना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसी करनी चाहिए, कैसा उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए, सम्मान कैसे करना चाहिए, तो भगवान राम ने सीखा रामायण के द्वारा। रामायण केवल इतिहास का ग्रंथ नहीं है, किसी का कहानी नहीं है, वो तो एक संविधान है मनुष्य जीवन जीने का। भारत का जो पति पत्नी बन के रहते हैं, बाल बच्चे संभालते हैं, वो रामायण के आधार पर करते हैं। जो महाभारत हुआ रामायण के आधार से हुआ था। पिता का जो सबसे बड़ा लड़का बनेगा वही राजा बनेगा, उसके आधार पर तो कौरव पांडव का झगड़ा हुआ था, बाद में गीता लिखा गया। गीता भारत का संविधान है। गीता ऐसे खाली कहानी नहीं है, वो व्यक्तिगत जीने के लिए नहीं है, सामाजिक व्यवस्था के लिए गीता लिखा गया है। और वो संविधान को छोड़ करके हम लोग दूसरे ग्रंथ को वो इतिहास बता दें, ज्ञान की बातें बता दें, वो ज्ञान वाली नहीं है, वो संविधान है। इसलिए उसको संविधान की तरह मान लेंगे। परिवार आज भी माँ बाप कहते ना, माँ बाप को मत त्यागो, सेवा करो, आज्ञा का पालन करो। रामायण पढ़ेगा माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, माँ बाप की सेवा करने के लिए रामायण लिखी गई है, उनका आज्ञा का पालन करने के लिए, उनको आदर करने के लिए किया हुआ है। यह नहीं कि केवल इतिहास का किताब नहीं है। और भगवान राम भगवान है नहीं हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो समाज को चलाने के लिए कहा है। समाज में मनुष्य बनकर कैसे जीना चाहिए, समाज की व्यवस्था के लिए रामायण। बस यही मेरा कहना जी।